भाइयों नमस्कार, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं दादा राम प्रसाद राठौरिया इनके कोठे पे, जहाँ कि आप देख रहे हो अभी सामने बंधा है डीजे, उसके पीछे बंधा है सोनिया और साइड में बंधा है शिवम और ये है बजरंगी। आज दादा से होगी हमारी मुलाकात, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आगे मुलाकात है। साथ में बाकी जो बैल है वो दिखेंगे आपको, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे, धन्यवाद। कान्हा सेठ साइड में गोविंदा, ये दिन में तीन दो बार उल्लेख होगा नहीं होता तो ऐसी समझा रहे। दादा राम प्रसाद राठौर जी की दावनी, ये है उनका कोठा जहाँ की बैल रहते हैं। हेलो भाइयों नमस्कार, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पंचप्रेमी यादव जी हमारे चैनल में, हम आज मुलाकात लेने आए हैं एमपी और महाराष्ट्र की आन बान शान संकल्प के नेताज बादशाह दादा राम प्रसाद राठौर जी से, वो अपना परिचय देंगे। मैं राम प्रसाद राठौर बैतूलगंज में रहता हूँ, बैतूल मेरा निवास स्थान है। मुझे पट का शौक है और नशा है पट का एक शौक का, जो बैल फर्स्ट आता वो खरीद लेता हूँ और जो कम भी हो गया अगर धोखे से कम चलने लगा तो आधी कीमत में जितने नीचे बेचते तो रखता नीचे जाते। तीन साल हुए मुझे फिर से चालू करने को, 15 साल पड़ बंद था। मैं सन 82 से पट खेल रहा हूँ और हर साल 100 अगर पट होते तो उसमें 70-75 पट मुझे फर्स्ट मिलते, इस साल भी 65 इनाम मिले मुझे फर्स्ट में और बाकी पॉइंट वही रह गए, दूसरे तीसरे में भी नंबर लगा। पर एक शौक है, इसमें घाटा होता है कभी बचत नहीं, पर नाम के लिए जाता हूँ, पूरे महाराष्ट्र वाले जानते हैं मुझे, एमपीवन जानते हैं और हर पट प्रेमी मान सम्मान करता, पटों में मुझे बुलाते हैं, स्वागत करते हैं। बैतूल जिले का नाम चल रहा है जी, बैल जोड़ी की भी सेवा हो रही है, उस बारे गौ माता की सेवा हो रही है, हजारों लाखों लोगों से मिलना होता है। महाराष्ट्र के प्राय प्राय हर जिले के MLA MP मंत्री पद के कुछ लोग सब पटों को पट भरवाते हैं और उनसे भी मुलाकात होती है, गांव खेड़ों के लोगों से भी होती है, सरपंच लोग भी चंदा करके पट भरवाते हैं, कहीं छोटा कहीं बड़ा होता है, सबसे मिलना होता है। इस बहाने अच्छे बुरे सभी लोग मिलते हैं जी। और शहर में उनकी कोई मदद होती है बेचारे मेरे पास आते हैं, मैं जो मदद बनती हूँ करता हूँ। मेरे घर कोई भी आएगा पट के नाम पे आए या वैसे आए, उनको चाय पानी रोटी की सुविधा करना पड़ता है, अपने भरोसे आते हैं। और पट में तो फ्री रहता मेरी राउटी में चाय ना होता, चाहे महाराष्ट्र में चाहे MP में 10-50 लोग आते हैं, उनका स्वागत सत्कार करने का शौक है। किसी प्रकार का कोई अत्याचार कोई करता है बैलों पर या बैल जोड़ी मालिकों पर, तो उनको मैं धमकाता हूँ कि भाई गरीब गलत नहीं होना चाहिए किसी पट में, मैं विरोध करता हूँ उन चीज़ों का, इसलिए लोग मानते बेचारे आते रहते हैं। इसके बाद दादा मैं पूछना चाहूँगा, अभी तक के आपके पास लगभग कितने बैल रह चुके हैं? अभी तक मैं 300-350 बैल बदल चुका हूँ, 82 से खेल रहा हूँ जी। हाँ, इस साल भी 9 बैल लाए थे जिसमें 7 भी मेरे पास ही है। 9 का है को केसरी भवानी और कुंदरी, अपने 4 दे दिए ना। 11 बैल लाए थे जिसमें 7 है, केसरी दे दिया, भवानी दे दिया, शोभे, उसके बाद में शोभे सुंदर, शोभे और सुंदर दे दिए, 4 बैल दे दिए, बकासुर लाया वो अभी है, 7 बैल आज भी गोविंदा मेरा, हिंद केसरी बैल गोविंदा मेरा ही है जी। और आपको अगर देखना है तो YouTube पे गोविंदा बैल के नाम से निकाल लो, गन्ना का फंडा नामक चैनल आता है महाराष्ट्र में YouTube में, उसमें मेरे बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी जी। जी, बस एक शौक के लिए करता हूँ, इसमें घाटा होता है, किसी भी पट वाले को कभी बचत नहीं होती,
चाहे वो पहला ले चाहे आखिरी ले घाटे में जाता है, क्योंकि बैल ट्रक में जाते हैं, उनको दूध दही घी बादाम काजू खिलाना पड़ता है। उसके बाद उनके साथ जो सेवादार रहते हैं बैलों की सेवा में, बैल हाँकने वाले, इनका सब पे खाने पीने की उचित व्यवस्था करना पड़ता है। छोटे से छोटा भी बैल मालिक है तो उसको घाटे का ही रहता है, पर वो शौक के नाते नाम के लिए आता है। इसके बाद दादा मैं पूछना चाहूँगा, जैसे इस वर्ष आपके पास अभी महाराष्ट्र से बैल है गोविंदा, गोविंदा है, काना है, सोने आए सब नंबर के। हाँ, तो इसमें जैसे महाराष्ट्र के अंदर काफी बड़ी बड़ी संकरपट होती है, तो बड़े से बड़ा मतलब कितना इनाम लिया है? सिल्लोड में लिया था, बुलट इनाम में थी अपने चिमटाराम के बैल पे। और अभी बहरम का भी एक ही पॉइंट थे पहला और दूसरे का, तो नंबर पे मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल तीन जगह मोटरसाइकिलें मिली मेरे 51,000 और 1,00,000 और 80,000 के 2,500 इनाम मिले। इस साल मेरे को करीब करीब 7-8 लाख के इनाम मिले, उसके बाद में 10-12 लाख के घाटे में पटके खर्चे के कारण। जैसे अभी आपके पास बैल महाराष्ट्र के श्री नाम सिंह बैल गोविंदा है, तो इसने महाराष्ट्र में भी खूब नाम कमाया। तो जैसे उस टाइम जैसे बैल चल रहा था, तो बैल की काफी मतलब आपको ऑफर भी आया था? ऑफर आया था, मैंने एक ने 25 लाख मांगा था, 25 लाख में जी। एक औरंगाबाद वाला साइन आया था, उसने मुझे 21 लाख का मांगा था जी, मैंने मना कर दिया। अभी भी उसको मैं बेचूंगा तो 11 से 15 लाख कोई भी दे सकता बंद। हाँ, वो तो बैल सभी को पता है कि बंद महाराष्ट्र में नाम कमाया बैल है, पर मैं उसको बेचूंगा नहीं, उसने मेरे को बहुत इनाम दिला दिए, उसकी कीमत पहले निकाल चुका है वो, और मेरे पास नाम के लिए शुभ लक्षण वाला है, बड़ा है, उसके साथ दूसरे बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा